स्टूडेंट्स को, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जी एक्स हमें क्या दिया, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स, और एक्स कहाँ से कहाँ तक है हमारा, एक्स बिलोंग्स टू आर ऑल रियल नंबर्स माइनस, मतलब माइनस वन नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता और वन नहीं हो सकता, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि जी ऑफ एक्स हमारा जीरो नहीं हो सकता, वरना एच ऑफ एक्स हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, राइट। तो जी ऑफ एक्स जीरो नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास एक्स की वैल्यूज ऐसी दी हुई है, क्योंकि देखो अगर माइनस वन डालो तो जी ऑफ एक्स हमारा अनडिफाइंड जीरो हो जाएगा, राइट। तो जी ऑफ एक्स अगर जीरो हो गया तो हमारा एच एक्स हमारा अनडिफाइंड हो गया, राइट। वैसे ही अगर तुम एक्स इक्वल्स टू जीरो डालो तो यहाँ पे भी हमारा, सॉरी, तो अगर x इक्वल्स टू जीरो डालो तो यहाँ पे भी हमारा g ऑफ x क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है g ऑफ x, देख सकते हो। और वहीं अगर हम x इक्वल्स टू वन डालें तो यहाँ पे g ऑफ x हमारा जीरो हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा h ऑफ x हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसलिए हमें ऐसी वैल्यूज यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमें लोकल मिनिमा बताना है फॉर h ऑफ x, मतलब लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है h ऑफ x, ठीक है। तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो g ऑफ x हमारा क्या दिया हुआ है, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको हम बोल देते हैं ये हमारा t मान लेते हैं, ठीक है। और हमारा f ऑफ x क्या गिवन है, देखो f ऑफ x हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो माइनस टू आ जाएगा, तो फिर हमें प्लस टू करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हमारा ये दोनों चीज बिल्कुल सेम है, इसको अगर एक्सपेंड कर दें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस टू, तो माइनस टू प्लस टू कैंसिल आउट हुआ, हमें ये सेम चीज मिल गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो एफ एक्स को हम लिख सकते हैं, ये हमने क्या माना था, टी माना था, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टू, राइट, टी स्क्वायर प्लस टू। तो अब देखो हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको अब हम फॉर्मुलेट करते हैं, तो एफ एच ऑफ एक्स हमें निकालना है, राइट। तो एच ऑफ एक्स हमारा देखो क्या है, एच ऑफ एक्स हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, राइट। तो इसको हम बोल देते हैं के ऑफ टी, कोई फंक्शन है के और जिसमें हमारा चेंज क्या हो रहा है, टी चेंज हो रहा है, राइट, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था टी में, राइट। तो एच ऑफ एक्स क्या था हमारा, एफ ऑफ एक्स क्या है, देखो टी स्क्वायर प्लस टू अपॉन जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, देखो टी, ठीक है। तो ये हमें एच एक्स मिला है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखो हमें एच एक्स क्या मिल रहा है, तो हमें तो अब काम करना है टी में, क्योंकि हमने टी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो के ऑफ टी हमें क्या मिल रहा है, टी प्लस टू बाई टी, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी हमें क्या वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। तो के डैश टी हमारा क्या हो जाएगा, वन और माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर, राइट। देखो टी की पावर माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस वन टी की पावर माइनस टू, ठीक है। तो ये माइनस और टू, टू हमारा एज इट इज रहेगा, और अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू मिली के डैश टी की। तो इसको हम जीरो करके देखते हैं कि देखते हैं हमारा कौन कौन सा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर जीरो करें तो देखो क्या मिल रहा है, वन माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास टू आ रही है, तो टी की हमें दो वैल्यूज मिली, प्लस माइनस प्लस रूट टू और माइनस रूट टू, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें चेक करना पड़ेगा कि लोकल मिनिमा हमारा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, टी इक्वल्स टू रूट टू पे या फिर टी इक्वल्स टू माइनस रूट टू पे। तो उसके लिए हमें डबल डैश निकालना पड़ेगा फंक्शन का, ठीक है। तो डबल डैश निकाले तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा के डबल डैश टी वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो वन माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हम एक चीज बोल सकते हैं कि ये जो हमारा वन है वो तो हमारा कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हम कर दें अगर, तो क्या हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा, ये टी की पावर माइनस टू हो जाएगा, राइट। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस टू टी की पावर माइनस थ्री, राइट, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो हम लिख देते हैं क्या हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टू अपॉन, ये हमारा टू आ जाएगा यहाँ पे, और टी की पावर माइनस थ्री, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फोर अपॉन टी की पावर माइनस
और नीचे आएगा तो टी की पावर 3 हो जाएगा, राइट। तो देखो के डबल डैश टी हमें क्या मिला, 4/t³। ठीक है, अब हमें पता है अगर हमारा हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमा चाहिए, तो उसके लिए हमारा के डबल डैश टी क्या होना चाहिए, वो हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट। तो अब हम देखते हैं वो किस वैल्यू पे हमारा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, राइट। तो अगर हम टी इक्वल्स टू फॉर चेक करते हैं, फॉर टी इक्वल्स टू √2 चेक करते हैं अगर, तो हमें क्या मिल रहा है के डबल डैश टी, के डबल डैश टी की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे √2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/√2³। तो ये हमें क्या मिला, 4/√2, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा √2, ठीक है। और अगर हम चेक करें फॉर टी इक्वल्स टू -√2, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, के डबल डैश टी की वैल्यू, यहाँ पे टी क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, 4/-2√2 हो गया, राइट। यहाँ पे टी हमने पुट किया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा हमारा, क्योंकि क्यूब था हमारा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, -√2, ठीक है। तो हमें चाहिए था मिनिमा, तो उसके लिए हमारा के डबल डैश टी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वो किसके लिए आ रहा है, फॉर टी इक्वल्स टू √2 के लिए आ रहा है, ठीक है। तो देखो हमारा एच एक्स था वो हमारा क्या था, देखो एच एक्स हमारा क्या है, एच एक्स t² + 2/t। तो टी हमारा क्या मिला है, टी इक्वल्स टू √2 मिला है, तो उसके लिए मिनिमा हमें मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं, देखो एच एक्स क्या मिलेगा, अब यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो एच एक्स, या फिर इसको हम क्या बोल रहे थे, के ऑफ टी बोल रहे थे, क्योंकि हमने टी में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये देखो क्या मिलेगा, √2 पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको साइड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने √2 पुट किया तो देखो क्या मिल रहा है, √2 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब क्या हो गया, 2 + 2 = 4, 4/√2, राइट। अब इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या मिल रहा है, 2√2, ठीक है। तो ये हमें मिली है मिनिमम वैल्यू मिली है, तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, तो आंसर क्या हो गया, 2√2। थैंक यू।